हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 25। प्रिंस क्या सोच रहे हो? प्रिंस बताओ ना। यही सोच रहा हूँ, कल तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब? सुबह बताऊँगा वो तो। प्रिया मुंह फुलाए। मैं कैसी लग रही हूँ प्रिंस? बहुत सुंदर, एकदम प्रिंसेस जैसी। प्रिंस ये देखो, वो उसे 3-4 नाइट ड्रेस दिखाती है। मैं कौन सी पहनूँ? कोई भी पहन लो। प्रिया मुंह बनाते हुए, नहीं आप बताओ, सेलेक्ट करो। आदिक मन में बोला, नाइट ड्रेस भी सेलेक्ट करनी पड़ती है? कोई भी पहन लो, सोना ही तो है। अच्छा ये पहन लो, ये रेड वाली। अरे नहीं, अभी ये रेड साड़ी पहनी थी, अभी फिर रेड ड्रेस, सेम हो जाएगा प्रिंस। अच्छा ठीक है, ये पहन लो ये वाली। अरे इसका प्रिंट बेकार है, मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आदिक जो ड्रेस बोलता वो उसमें कमी निकाल देती। यार अभी बताता हूँ, वो प्रिया को अपनी एक शर्ट देकर कहता है, ये लो इसे पहन कर आओ। तो पहले नहीं बता सकते थे, मेरा कितना टाइम वेस्ट किया। आप ना बिल्कुल, आदिक उसे घूर कर देखता है। बिल्कुल किया? बिल्कुल, मेरा मतलब बिल्कुल हैंडसम हो। आदिक उसे शर्ट देता है, प्रिया शर्ट पहन कर आती है तो आदिक रूम में नहीं होता, वो बैठ जाती है, शर्ट उसकी थाई तक आ रही थी। जब आदिक आता है तो दोनों की नजरें टकराती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल थे, पर प्रिया को अचानक इन कपड़ों में आदिक के सामने शर्म आने लगती है। वो नजरें नीचे करने लगती है। आदिक एक शरारत भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। आज पहली बार हर बढ़ते कदम के साथ प्रिया का दिल धड़क रहा था। आदिक अपना चेहरा उसके पास लाता है तो प्रिया नजरें झुका लेती है, तो आदिक बोला, इस तरफ देखो प्रिंसेस। क्या हुआ? प्रिंस वो ये ड्रेस। आदिक उसके चेहरे की तरफ बढ़ता है तो प्रिया आंखें बंद कर लेती है। आदिक बेड से चादर लेकर उसे उड़ा देता है। अब ठीक है? प्रिया उसे गले लगा लेती है, उसके गाल लाल होते हैं। आदिक उसे अपनी बाहों में समा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तो तुम शर्माती भी हो हाँ? प्रिया उसे बेड पर खींच लेती है और उसके सीने पर सर रख देती है और दोनों सो जाते हैं। अब सुबह होती है, आदिक प्रिया को उठाता है तो प्रिया नींद में ही उठ बैठती है। आदिक उसे बाथरूम में धकेल देता है और खुद भी घुस जाता है। वो प्रिया के हाथ मुंह धोकर बेड पर बैठाता है और खुद भी हाथ मुंह धोकर बाहर आता है, तो प्रिया बैठी हुई सो चुकी थी। आदिक ने उसे उठाया और बाहर ले गया। बाहर हल्का हल्का अंधेरा और रोशनी थी। प्रिया हड़बड़ाकर बोली, अभी तो अंधेरा है प्रिंस, चलो दौड़ना शुरू करो। क्या ये क्या हरकत है, एक तो मुझे सुबह 5 बजे उठा दिया और दौड़ने को बोल रहे हो, मैं नहीं। अगर नहीं दौड़ोगी तो? प्रिया भी हाथ बांध कर बोली, तो क्या? आदिक ब्लैंक फेस के साथ बोला, आज से उबली सब्जी मिलेगी, नो आइसक्रीम नो चॉकलेट, और एक और बात, मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूंगा और रात को लेट आऊंगा। क्या? बेचारी प्रिया पूरे 2 घंटे बिना कुछ बोले एक्सरसाइज करती है, अब तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो आदिक से नाराज रही और जाकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई। उसके हाथ में एक बुक थी, आदिक को बिना कुछ बोले वो आगे बढ़ने लगी तो आदिक ने उसे गोद में उठा लिया और ले जाकर उसे गार्डन में बैठा दिया और उसकी गोद में सर रखकर बोला, बच्चा मैं चाहता हूँ आप स्ट्रांग बनो और आपको किसी की जरूरत ना पड़े लाइफ में, मेरी भी नहीं। प्रिया स्माइल करके उसकी तरफ देखती है, और कॉलेज? यहीं पढ़ लो, आज मत जाओ। सच्ची? और तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। कहाँ? सरप्राइज है मेरी प्रिंसेस के लिए, आज इतनी मेहनत जो की। प्रिया तैयार हो जाती है, आज मैंने कितनी मेहनत की ना। हाँ बहुत, आज मैं गुड गर्ल भी बनी। हाँ तो मेरे साथ दिन बिताओगे पक्का? अगला संडे तुमको घुमाने लेके जाऊंगा, ओके? प्रिया खुशी से उसे गले लगा लेती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।